गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये रहा घर, अब तो बहुत करीब है। सी माय डॉग्स रिएक्शन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज है नेक्स्ट डे। कल तक आपने देखा था कि निधि ने जो है हेयर कलर करवाना था, तो हम सैलून गए थे और मैंने जो फाइनल लुक आपको नहीं दिखाई थी। तो अभी जा रहे हैं सैलून और वॉश होगा, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। रेडी होगी और इसके बालों का कचुंबर बन चुका है बिकॉज बस में आए हैं एंड आज रश। नहीं ठीक है। और अभी ये थोड़े से और लाइट होंगे और अच्छे होंगे एंड रश बहुत है आज यार मॉल रोड पे। रश देखो गाइस आप लोग। हाँ, और चर्च भी अब सजने वाली है शायद। मैं इसी वेट में रहूंगी कब सजेगी। और बर्फ नहीं पड़ रही यार, पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही यार। स्नो हर साल पड़ जाती है, इस साल ही नहीं पड़ रही ना। शायद हमारा टूर लगे अब। यस, और हम जाएंगे मनाली। यहाँ स्नो पड़ नहीं रही तो हमने सोचा यार मनाली जल पड़ते हैं, पर अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे। मैं चलाती हूँ जो शिमला में, हमेशा स्नोफॉल देखने के बाद भी सोच रही हूँ इस साल स्नोफॉल कब पड़ेगी। The next day. तो गाइस नेक्स्ट डे हमारा प्लान बना के हम लोग जाएं निधि के घर और हम निकल पड़े एंड ये है लोअर बाजार। इतना रश था कि 15 मिनट का रास्ता हमें 45 मिनट का पड़ा। फाइनली हम पहुंचे और 3 बजे निकल गए बस में निधि के घर के लिए। और इसको यहाँ पे भी खाने की पड़ी हुई है, सारा दिन खाती रहेगी बस ये। तो गाइस हम जैसे ही फागू पहुंचे हमें बर्फ देखने को मिली। अभी जो है हम लोग आए हैं निधि के घर एंड फाइनली अभी कितना टाइम हुआ है, 5:30 पौने 6 हो रहे होंगे और अभी पहुंचे हैं। एंड आज इतना ज्यादा रश था ना मॉल रोड पे भी, लोअर बाजार में भी, हमें मतलब के लगड़ बाजार पहुंचते पहुंचते पैदल जा रहे थे तो 45 मिनट लग गए। और उसके बाद बस में इतना रश था, अभी पहुंचे हैं। एंड यार इस बार बर्फ बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, तो अभी चलते हैं घर पे, कुछ खाते हैं एंड मम्मी पापा से मिलते हैं। और हम घर इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे को कुछ काम था इस वजह से। ओहो, काम था, अदरवाइज का हाथ है बड़े लोग। ओ हेलो, गरीबों के घर। ओ हेलो, ज्यादा नहीं बोलना, बड़े लोग गरीब, ज्यादा नहीं बोलना। और ये देखो गाइस यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर ही नहीं है। ये देखो क्या, फॉलो मी। सामान देखो कैसे लेके आए हम। कितना चलना, ध्यान से गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। याद है तो इतना टाइम हो गया ना। कहाँ हमारा मेल हुआ, पछता रही है और तो नहीं कुछ। हाँ हेलो, ये बैग उठा, ये जो मैंने पीछे बैग टांगा है ना इतना भारी है ना, इसको मैं बोलता हूँ तू ले बैग और तू चल ये पकड़। एक हफ्ते से जो आपने मेरी टोपी रख रही है ना। ओ हेलो, महारानी बनके आ रही है, सामान मेरे को पकड़ाया। जवाइयां ताड़ा, सेवा सुवा करन दा फर्ज ताड़ा बनदा। चक्को एक सेकंड, यहां पे कोई लग गई कांटे। कोई बात नहीं, एक मिनट। ये देखो अच्छे से एडवेंचर हो रहा है, आप लोग मजे लो एडवेंचर के। जंगल से जाते हुए, जंगल ही है ये एक तरह का। ये देखो गाइस रोड देखो कैसे दिख रही है, कोई दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे दी जात। और ये देखो भाई यार, मैं ऐसे ही चलता हूँ, ऐसा लगता है ना आपको देखा, आपको चलना नहीं आता। नहीं आता मेरे को चलना। गाइस आप लोगों का भी पूरा एडवेंचर करवाते हुए। हाँ
ये बैग बहुत भारी है यार, बहुत भारी बैग है। इस जो आने वाले व्लॉग्स है ना मजेदार होंगे और आप लोगों को बहुत ही जल्द एक दो महीने में सरप्राइज मिलने वाला है। क्या आग ए, क्यों इतनी दूर कर बनाया, बड़े बंदे नीचे बना लेंदे घर, समझ नहीं आता एडिया पहाड़िया पहाड़िया ते एक एक घर है। ये देखो गाइस, ये दिख रहा है, इस रोड से आए हम लोग, ये दिख रही होगी रोड अगर आपको, ये रोड से बैंड बज चुकी है यार, अच्छी ट्रैकिंग हो रही है। आप लोग कहते थे ना घर पे बैठ के व्लॉग बनाते हो, लो आज ट्रैकिंग करते हुए का व्लॉग बना दिया। सस्ती ट्रैकिंग है, सस्ती ट्रैकिंग। तो मैंने बोला भी था कि दूसरे रास्ते से लेके जाना, लेकिन ये फिर भी इस रास्ते से लेके आई है मेरे को, ये नहीं है वो सही है। ये मेरे को पता क्या बोल रहे हैं कि तुम इसको गलत रास्ते से ले गए। और सीढ़ियां सूढ़ियां बनवाओ यार, सीढ़ियां सूढ़ियां बनवाओ यहाँ पे। हाँ तो सीढ़ियां सूढ़ियां बनवाओ, रास्ता साफ करवाओ। हाँ हाँ हाँ। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये रहा घर, अब तो बहुत करीब है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, कल ज़्यादा शूट नहीं कर पाए बिकॉज थक चुके थे और सीधा खाना खाया और सो गए। एंड अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड मैं उठ चुका हूँ, मैं 7 बजे उठ गया था। पता नहीं ठंड यहाँ पे ज़्यादा इस वजह से नींद जल्दी खुल गई, नहीं तो घर पे या शिमला होता हूँ तो इतनी जल्दी नींद खुलती नहीं है। यहाँ पे सच्ची में ठंड बहुत ज़्यादा है शिमला के अकॉर्डिंग। एंड अभी मैं चलता हूँ किचन में, ठीक है, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, मैं सुबह 7 बजे उठ के ही सबसे पहले नींदी से भी पहले उठ गया था। मैं यहाँ पे खड़े हैं और चलते हैं किचन में, यार चूल्हा बाल रही है, चूल्हे में आग चलाई जा रही है और फिर हम आग सेकेंगे। इस वाली किचन में ठंड कम लगती है क्योंकि चूल्हा है ना तो सेक रहता है, और ऊपर वाली किचन में बंदा मरता ठंड से, है ना। बहुत आज ठंड है, आज पापा बोल रहे कि ज्यादा ठंड है, मतलब कि बाकी दिनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बादल है ना। तो ऐसे चूल्हा बालते हैं, ले भाई ले हूँ लुधियाने एक चूल्हा ला देना वा, ते एक गां रख देनी है, सारा कुछ तू संभी जी, मझा नु पट्ठे पाने, चूल्हा बालना, सारा कुछ तू कम करना, ठीक है। हैं पट्ठे पाने चले जी, फिर तू व्लॉग बनाया करी, रोटी मैं बना ली है हुण पट्ठे पाउण चलने हैं, ठीक है। और गाइस एक बात, नीति तो व्लॉग कंटिन्यू कर नहीं रही है, तो इसने व्लॉग में बताया नहीं इनकी गाय की डेथ हो गई है ना, एक इंसिडेंट में, मतलब पहाड़ से गिर गई थी, इस वजह से पहाड़ से गिर गई, पहाड़ से थोड़ा सा गिर गई थी, तो उस वजह से अब लाए गाय लाए ना दूसरी, वो दिखाते हैं आपको थोड़ी देर तक। सुनता तेनू एक गल कहनी बोलना वट वे, मैं रोटी खानी है, दे दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं गाय देखने, एंड क्या कह रहे हैं ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अपर डाल लिया एक और जैकेट। ये है गाय, इनकी नहीं पर किट्टी ज्यादा सुंदर थी ना, बहुत सुंदर थी वो तो बहुत ही सुंदर थी, बड़ी भी थी वो, है ना, वो तो बहुत ही थी ना, सच में तेरी जितनी नहीं थी लंबी, है ना, टी मारती थी ना, तो निधि अभी दिखा रही है कि किट्टी कहाँ से गिरी थी, तो आगे की तरफ लेके जा रही है। कहाँ से दोबारा दीवार लगाई फिर उसको बचाने के लिए, भागती थी ना, डरती थी वो बड़ी। और जो ये दूसरी गाय लेकर आया ना, वो इधर मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, जो लास्ट में वहाँ पे दिख रही है ना ग्रीन ग्रीन छत दूर, वो वहाँ वहाँ से लेकर आया है। ये गाय भी अच्छी है पर अभी आदत नहीं है ना,
देखी नहीं, मैं तो आज ही पहली बार देखी घर आई हूँ जब। आदत नहीं है इसकी, पर चलो धीरे धीरे पड़ जाएगी। किटी से बड़ा प्यार था यार, मैं वहाँ आ जाता छोटे छोटे बच्चे उनको बोलते थे, उसके बाद उसके बाद वो चले जाते थे जैसे ताकि उसको मारे। क्या मिट्टी लगाई है जिससे सुनने लगे? कहाँ पे? मैंने बोला था ना। अच्छा ये पेड़ पे मिट्टी लगाई है? क्यों लगती है ना, छिलके निकलते हैं। अच्छा पेड़ के भी चूना भी लगाते, लेकिन चूना से अच्छा ये होता है। अच्छा चूना भी लगाते ना, पेंट करते हैं और नीला नीला सा दिख रहा होगा आपको, वहाँ लगे देखो व्हाइट नीला। कहाँ पे? पार वहाँ पे लोगों ने लगाया। अच्छा इतनी दूर से कहाँ दिखेगा? मैं आपको दिखा रही हूँ। पट्टी सही है, सभी पेड़ों पे लगाई है। देखो गाइस पेड़ों को भी ठंड लगती है, ठंड की वजह से ज्यादा वो सूख ना जाए, है ना, जैसे हमारी स्किन के छिलके निकलते हैं हमारी जैसे स्किन, है ना। ये देखो ये क्या लगा है? ये जो गोभिया होती है ना, फूल गोभी। अच्छा फूल गोभी नर्सरी। ये घर के लिए ही? नहीं बेचने के लिए। और दादी वहाँ पे काम कर रहे हैं खेतों में। गाइस अभी जो है नहाने चलते हैं एंड उसके बाद तैयार त्यार होके जो है नया व्लॉग शुरू करेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर कमेंट करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, आई लव यू।